हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ विजय। ये हमारा 15 ट्यूटोरियल है एडोब फोटोशॉप 2017 का, जिसमें आपको ये बताएंगे कैसे अपने लेयर्स को आप सिंक्रोनाइज कर सकते हैं। तो देखिए, ये हमारा मार्स था, ये थोड़ा लाइट आ रखा है और इसकी पोजीशन थोड़ी सही नहीं है। जो हमने इससे पहले ट्यूटोरियल में किया था, इसकी पोजीशन थोड़ी चेंज करते हैं। तो कंट्रोल टी या कमांड टी दबाएंगे मैक में, अगर आप यूज़ करते हैं तो इसको इस तरह से लेके आएंगे और ओके एंटर दबाएंगे। तो हमारी इसकी पोजीशन थोड़ी चेंज की हमने और थोड़ा से ब्राइट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, इस पर इसकी ग्रेडियंट वैल्यू को चेंज करेंगे। तो इसे थोड़ा सा नीचे को लेके आते हैं, जिससे हमारा थोड़ा आउटपुट क्या है, तो सर डार्क सा आए। तो इस तरह से हमारा थोड़ा डार्क आ गया मार्स। इस पर ओके क्लिक करेंगे, ये हम आउटपुट चाहिए था हमें मिल गया। अब हमें क्या करना है, इस पर स्टार्स लेके आने हैं इसके बैकग्राउंड पर। तो देखिए, यहाँ से इस इमेज से हम स्टार ले लेंगे। तो इसे सबसे पहले सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे डुप्लीकेट लेयर, और यहाँ पर इस लेयर का नाम आप कुछ भी दे सकते हैं। मैं दे रहा हूँ इसका नाम लेयर लेयर स्टार, ये मैंने इसे नेम दिया। अब इसे कहाँ पर अप्लाई करना है हमें, जो हमारा याली इमेज थी DSCO 325, जहाँ पर हम सारा प्रोजेक्ट कर रहे हैं, ये हमारी फाइल थी, इस पर अप्लाई करना है। तो हम इस डॉक्यूमेंट का नाम ये रखेंगे और ओके करेंगे इस तरीके से। और अब यहाँ पर आप देखेंगे तो हमारी इस तरह से यहाँ पर है स्काई लेयर्स, स्काई यहाँ पर हमारा आ गया। अब इसकी इमेज इतनी सही तरीके से आ नहीं रही है, तो इसे हम थोड़ा ट्रांसफॉर्म करेंगे। तो पहले कंट्रोल टी दबाते हैं सबसे पहले। तो अब यहाँ देखेंगे इस तरह से बहुत बड़ी आउटलाइन आ रही है, इसे छोटा करेंगे, इसे ड्रैग करते हैं इसके ऊपर, जो पोजिशन आपको चाहिए उसके हिसाब से आप इसे कर सकते हैं। यहाँ पर जिस पोजिशन पर आपको स्टार सही लग रहे हैं, अभी पहले हम इसे थोड़ा छोटा कर लेते हैं, बहुत बड़ी इमेज है। तो और यहाँ पर देखिए विड्थ और हाइट में लिंक क्रिएट कर देंगे, तो हमारी इस तरीके से एक लिंक आएगा इस तरीके से। इसे सेट करेंगे हम, अगर आपको इस तरह के स्टार पसंद है तो इस तरीके से आप ला सकते हैं, यार थोड़ा सा चेंज भी आप कर सकते हैं इस तरीके से चेंज करेंगे। थोड़ा रोटेट भी कर सकते हैं हम, रोटेशन अप्लाई कर सकते हैं इसमें हम। थोड़ा इस तरह से हमने रोटेशन अप्लाई किया यहाँ पर, और ये इस तरह का लेआउट हम यहाँ पर ले आते हैं। आप चाहें तो चेंज कर सकते हैं इसे अपने अकॉर्डिंग, इमेज को अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे आपकी प्रेफरेंस हो वैसा कर सकते हैं आप। इसे थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं इस तरीके से, ज़्यादा स्टार यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं हमारे केस में। ये देखिए, ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है, तो हम इसे ऐसे ही रहने देंगे और फिर एंटर दबाएंगे। तो हमारा ये अप्लाई होगा, थोड़ी देर चेंज ट्रांसफॉर्म हो रहा है थोड़ा, और फिर से हम डिसॉल्व करेंगे अपने स्क्रीन के कलर में। तो ये देखिए इस तरीके से आया, नॉर्मल है। फिर हम यहाँ पर स्क्रीन में करेंगे, तो स्क्रीन के अकॉर्डिंग आपका ये चेंज हो जाएगा, इस तरीके से हमारा आउटपुट आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे थोड़ा, जो ये जो हमने स्टार लेके आए थे उसका इफेक्ट थोड़ा इसमें स्टार देखिए थोड़े डॉट डॉट से यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो उसे कैसे हटाएंगे हम यहाँ पर से, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, कंट्रोल या कमांड लेके आएंगे और ये जो हमारे मून था इस पर क्लिक करेंगे इस तरीके से। तो ये इसकी आउटलाइन आपको दिखा देगा, ये मून की आउटलाइन। अब हमें क्या करना है, इसको सेलेक्ट ना करते हुए इसके बाकी सबको सेलेक्ट करना है। तो हम इसका इन्वर्स करेंगे, उल्टा करेंगे। तो सेलेक्ट पर जाएंगे और यहाँ पर करेंगे इन्वर्स, तो ये क्या होगा, इसके अकॉर्डिंग सारा अप्लाई हो जाएगा। फिर हम इसमें क्या करेंगे, मास्क को अप्लाई करेंगे, मास्क इस तरीके से। तो अब यहाँ पर अब देखिए फ़र्क देख रहे होंगे आप, कि अब ये जो हमारी क्या कहते हैं स्टार था, उसका इफेक्ट हमारी इस इमेज में नहीं पड़ रहा है। अगर मैं कंट्रोल जी करता हूँ, तो इससे पहले देखिए स्टार का इफेक्ट इसमें पड़ रहा था। तो यहाँ पर देखिए स्टार का इफेक्ट पड़ रहा था। अगर मैं सिर्फ इसको सेलेक्ट करता, कंट्रोल दबाते हैं फिर से का कमांड दबाइए, मून की इसमें मैं सेलेक्ट करता हूँ, और इसमें अगर मैं मास्किंग अप्लाई करता देखिए, तो क्या होता, ये हमारा स्टार ही हट जाते पूरे, जो हमें नहीं चाहिए था। हमारे केस में ऐसा नहीं होना चाहिए था, हमारे केस में क्या होना चाहिए, स्टार भी चाहिए और मार्स के उसमें हमें स्टार का इफेक्ट भी नहीं चाहिए। तो इसलिए हमने क्या किया, सेलेक्ट इनवर्स, इन सबको सेलेक्ट किया है। फिर हम इसमें क्या करेंगे, लेयर मास्किंग अप्लाई करेंगे, तो क्या होगा, ये हमारा जो मार्स है थोड़ा उभर के आ जाएगा, इसमें स्काई जो था हमारा उसका इफेक्ट इसमें बिल्कुल हमारा नहीं पड़ेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।